नमस्कार दोस्तों, मैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल से अखिल बारस्कर। दोस्तों आज जो है हम इस पैनल बॉक्स के अंदर ऐटो स्विच कैसे लगाते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। बड़ी सिंपल तरीके से और कम टाइम में समझाऊंगा। ये जो ऐटो स्विच है वो है माइक्रो मैजिक का, और ये जो होता है मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। इसके अंदर टोटल आपको 7 तार देखने को मिलेंगे। पहले 3 तार एक होल में से आ चुके हैं, दूसरे तार दूसरे होल में से हैं, और तीसरे होल में से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ये 3, 3 2 5 और 5 2 7, तो टोटली यहाँ पे 7 तार दिए गए हैं। अभी ये जो 7 तारों का कनेक्शन जो है ये स्टार्टर के साथ कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको काम करना है ये जो फेज़ है इसको निकाल देना है। मैं पहले ही निकाल दिया हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको एक पर्ची भी मिल जाती है, उसको देख को भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ। और ये जो है बॉक्स यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। चलिए अभी फटाफट से इसका जो ढक्कन है सबसे पहला निकाल लेते हैं। अगर आप ढक्कन खोलेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह व्यू देखने को मिलेगा। चलिए, ये जो रिले आपको पहचाना सा लग रहा होगा जो कि LTL के स्टार्टर को आ जाता है, एक्चुअली इन्होंने जो है कॉन्टैक्टर जो है उन लोगों ने दूसरा बिठाया है। यहाँ पे लिखा है एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर। मैं भी पहली बार जोड़ा हूँ, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा, और मोटर मैंने जोड़ा नहीं हूँ, ठीक है। अपने को सिर्फ स्टार्टर ऑन होने से मतलब है, अगर स्टार्टर ऑन हो जाएगी तो मोटर भी ऑन हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप ऐटो स्विच जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3-फेज लाइट का होना ज़रूरी है। यहाँ सिंगल फेज में कभी भी ऐटो स्विच मत जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3-फेज में आप ऐटो स्विच जोड़ सकते हैं, ताकि आपको उल्टा सीधा करना पड़ता है ऑटो भी, जिस तरह मोटर उल्टा सीधा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी सबसे पहले ये जो स्टार्टर है इस स्टार्टर को ऐटो स्विच जोड़ना है। अभी ये सबसे पहले आप एक काम कर लो, इसको फिट कर लो, ठीक है। अभी इसको देखिए, मैं यहाँ पर इसको फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर अच्छे से फिट करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। दोस्तों ये जो ऐटो है मैं यहाँ पे फिट करना चाह रहा था लेकिन फिट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर फिट करने से जो नीचे कुछ लिखा है वो आपको दिख नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इसको रख दिया यहाँ पर। सबसे पहला जो आप इतने सारे तारों को देखो घबराएगा मत, मैं इसको 3 स्टेप में जुड़ूंगा। 3 स्टेप आप ध्यान रखो, सिर्फ 3 स्टेप, ठीक है। इसमें कुछ ध्यान रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। चलिए, ऐटो स्विच कोई भी हो उसके अंदर से 7 तार आएंगे। पहले होल में से 3 तार, दूसरे होल में से 2 तार, और तीसरे होल में से 2 तार। तो चलिए अभी सिर्फ पहले होल के बारे में सोचिए, इस पहले होल के बारे में, इन 3 तारों के बारे में सोचिए जो पहले होल से आए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है RYB 3-फेज सप्लाई, यानी कि आपको इसको 3-फेज सप्लाई दे देना है। चाहे आप इसको फेस के अंदर जोड़ो, या फिर चाहे आप इसको यहाँ पे स्टार्टर के रिले के ऊपर जोड़ो, कहीं पर भी जोड़ दो, लेकिन इसको जो 3-फेज कनेक्शन है वो देना है, वो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको दे देना है। चलिए सबसे पहले मैं कनेक्शन दूंगा RYB, यहाँ पर मिलेगा RY और B। जैसे उन लोगों ने कहा था कि RYB 3-फेज सप्लाई को जोड़ दो, तो उसी तरह मैंने RYB यहाँ पे R, यहाँ पे Y और B 3-फेज कनेक्शन को जोड़ दिया। आप चाहे स्टार्टर के अंदर जोड़ो या फिर आप फेस के ऊपर भी जोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हुआ पहले स्टेप में। अब दूसरा स्टेप इस होल के बारे में सोचेंगे। इस होल के अंदर आपको 2 तार देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर कहा है इन्होंने P3 और P4 को जोड़े, यानी ऑन बटनाचा अक्रॉस जोड़ा, मराठी में लिखा है। इनका कहने का मतलब है कि P3 और P4 को जोड़ो, मतलब जिसको समझ में नहीं आता उसको बोले कि P3 और P4 में जोड़ो, और जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको भी, या मतलब दोनों ऑप्शन में बोला उन लोगों ने। पहला ऑप्शन ये है कि P3 P4 में जोड़ो, ऑप्शन नहीं है, ये वहीं पर आता है, मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरी जो कंडीशन है ऑन बटन आ जाए अक्रॉस जोड़ा, ऑन बटन जो है स्टार्टर का उसके अक्रॉस जोड़िए। देखिए यहाँ पर P3 और P4 का मतलब जो है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला P3 और P4 का मतलब समझा देता हूँ मैं आपके। यहाँ पर रिले के ऊपर 4 स्क्रू दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इसी का मतलब है ये है P1 P2 P3 और P4। अभी उन्होंने क्या कहा, P3 और P4 को जोड़ो, मतलब यहाँ पे P1 P2 P3 P4, ये है P3 और ये P4। तो ये जो दो जो तार हैं यहाँ पे जोड़ने हैं आपको P3 और P4, सही है, इसी तरह है। और दूसरी जो कंडीशन है
मैं आपको कह रहा हूँ स्टार्टर कोई भी हो, यहाँ पे आपको ऑन बटन अच्छा अक्रॉस जोड़ा, यानी कि जो आपका ऑन करने का बटन है, ये जब आप बटन प्रेस करते हैं तो ये दो पॉइंट जुड़ जाते हैं, तो ये जो ऑन बटन के अक्रॉस जुड़ी है यानी कि यहाँ पर जुड़ी है, ऐसे इनका कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए ये फटाफट से दो जो तार हैं हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये जो है ऑन बटन दबाने के बाद इन दोनों की कंटिन्यूटी जुड़ जाती है, कोई भी स्टार्टर हो तो जो ऑन बटन दबाने से दोनों की कंटिन्यूटी जुड़ती है तो उसको ये दो जो तार हैं उसको जोड़ दो। तो चलिए अभी उन लोगों ने कहा था कि ये जो ग्रीन कलर के तार हैं वो P3 और P4 को जोड़ दो, तो उसी तरह हमने इस रिले के P3 और P4 को दो तार जोड़ दिए, कोई तार किधर भी जोड़ दो चलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसको भी भूल जाओ। अभी तीसरे स्टेप में हमें ये सोचना है इस होल के बारे में जो कि ब्लैक कलर के तार दिए गए हैं। तार कोई भी कलर के हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर देखिए वहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पर क्या लिखा है। इनका कहना है कि NV मतलब NV क्वाइल चा सीरीज मध्य जोड़ा, यानी कि हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये ऐसा है कि NV क्वाइल के सीरीज में इन दो तारों को जोड़िए। इनके कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। इनका कहने का मतलब है कि ये जो दो ब्लैक कलर के जो तार हैं ये आपके स्टार्टर कोई भी हो उसके क्वाइल के सीरीज में जोड़ना है। फिर आपको सबसे पहले जाना है क्वाइल के पास। देखिए ये स्टार्टर थोड़ा अजीब सा है, तो यहाँ पर आपको दो क्वाइल के तार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए ये जो तार है, ये वाला तार, अभी इनको सीरीज में जोड़ो ऐसे बोल रहे हो। यहाँ पे ब्लैक कलर का तार है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक तार जो जा चुका है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो तार है ये जा चुका है, तो यहाँ पे हम सीरीज में जोड़ देना है, ये क्वाइल की सीरीज में, यानी कि इस तार को कट कर दो और यहाँ पर एक तार और यहाँ पर एक तार जोड़ो, ऐसे इनका कहने का मतलब है। लेकिन हम तार नहीं कट करेंगे, हम क्या करेंगे, ये यहाँ का और यहाँ का ये वाला तार निकाल देंगे और यहाँ पर एक काला तार और यहाँ पर एक काला तार जोड़ देंगे, तो ये क्वाइल की सीरीज में आ जाएगा। स्टार्टर कोई भी हो, आपको ये तार कट कर देना है, ऊपर वाले तार को एक तार और नीचे वाले तार को एक तार, इस तार आपको जोड़ देना है। ये जो तार का टुकड़ा है हमने इसको निकाल दिया है, अब बचे हैं ये पॉइंट खाली बचा जिसको कुछ तार नहीं है और ये पॉइंट खाली बचा जिसको कुछ तार नहीं, तो ये जो दो तार हैं इसको जोड़ देना है। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हमने एक ब्लैक कलर तार यहाँ पे जोड़ दिया और दूसरा ब्लैक कलर का तार यहाँ पे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया है हमने इस क्वाइल के सीरीज में, तो यहाँ पर हमारा जो भी जितना भी जोड़ना था वो पूरा कम्प्लीट हो गया है। बस अब बचा है स्टेप नंबर 4। अभी ये आपको समझाने के लिए इस ऑटो को मैं सबसे पहले यहाँ पर सेट कर देता हूँ और फिर बाकी की बात बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है RYB, इसको 3-phase कनेक्शन दे दिया। ये लिखा था कि ग्रीन कलर P3 और P4 को जोड़ दो, यहाँ पे P3 और P4 को जोड़ दिया, और यहाँ पे लिखा था कि NV क्वाइल के सीरीज में ये दो ब्लैक कलर तार जोड़ दो, तो हमने उस तरह जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अगले 4 नंबर स्टेप में हम बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये जो फेज़ हैं अच्छे से फेज तार बिठा के इसको बिठा देना है आपको इसके अंदर। ओके, फिर ऑटो स्विच के ऊपर आना है। ऑटो स्विच के ऊपर आपको 2 इंडिकेटर का होगा, 3 इंडिकेटर का होगा या फिर 4 इंडिकेटर होगा, जितने भी इंडिकेटर का होगा हमें उससे ये पता चल जाएगा कि ये ऑटो सही तरीके से जुड़ पाया है या फिर नहीं। आप जब भी ऑटो स्विच लेते हैं तो कम से कम 4 इंडिकेटर वाला लीजिए या फिर 3 इंडिकेटर वाला लीजिए, 3 इंडिकेटर वाला है अच्छी बात है। चलिए इसके ऊपर क्या क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ओके, बोले तो यहाँ पे 3-phase light होगा तो ओके दिखाएगा। ये डिले यानी कि टाइमिंग ले रहा है, और ये है SPP का मतलब सिंगल फेज। ठीक है, अभी देखिए आपने जैसे ही फेज बिठाया, अभी देखिए मैं एक निकाल दिया फिर से बिठाया। आप जैसे ही फेज बिठाते हैं अगर टाइमर का लाइट लगना चाहिए या फिर डिले का, अगर SPP लग जाता है तो आपको यहाँ पर के दो तार चेंज करने हैं, कौन से नीला और पीला कीजिए या फिर कोई भी, ये पहले होल में के जो तार हैं इसमें से कोई भी दो तार इंटरचेंज कर दो आपस में और इस ऑटो को ऑन कर दो। ठीक है, तो अभी ये टाइमिंग ले रहा है और टाइमिंग लेने के बाद हमारा जो है स्टार्टर अपने आप चालू हो जाएगा, तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं।
जब तक टाइमिंग नहीं ले रहा था तब तक मैं आपको बता रहा था। आपको यहाँ पे आवाज़ सिर्फ सुनाई आएगी क्योंकि मोटर हमने जोड़ी नहीं है। ये देखिए आवाज़ आपको सुनाई दी और यहाँ पे ओके का इंडिकेटर लग चुका है और डिले का बंद हो चुका है क्योंकि टाइमर लेना इसने बंद किया और सिंगल फेज लाइट नहीं है। चलिए अभी ठीक तरह से जुड़ पाया है कि नहीं वो भी देखना है। वो कैसे देखना है, एक फेज़ निकालने के बाद ये जो हमारा स्टार्टर है ऑफ होना चाहिए और यहाँ पे सिंगल फेज़ का लाइट लगना चाहिए। तो चलिए अभी आपको कैमरा में लेता हूँ, आप देख लीजिए खुद। मैं एक फेज़ निकाल रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दूर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं जला लेकिन हमारा स्टार्टर ऑफ हो चुका है। तो चलिए फिर से एक बार टाइमिंग लेने चालू हो गया। अब ये फेज़ निकालेंगे, ये निकल नहीं रहा था तो यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रहा है। इस तरह आप कोई भी एक फेज़ निकाल दो तो आपका जो स्टार्टर है ऑफ होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह अगर आपको ये अगर लाइट जला एसपीपी वाला तो समझ लेना ये ऑटो आपका जो है उल्टा हो चुका है या फिर सिंगल फेज लाइट है। थ्री फेज लाइट के अंदर अगर ये लाइट जल रहा है थ्री फेज लाइट के अंदर तो आपको ये कोई भी इन तारों में से दो तार इंटरचेंज कर देने। जिस तरह हम मोटर उल्टी सीधा करते हैं उस तरह आपको उल्टा सीधा कर देना है। लेकिन पहली बार हमने जोड़ा तो हमारा ऑटो बिल्कुल ठीक तरह से जुड़ गया है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ओके, मिलते हैं अगले किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।